हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अगर आपने जो है इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है, बेसिक वीडियो को नहीं देखा है, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें ताकि आप जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है समांतर श्रेणी के क्लियर हो सके आपके, और जो है आप इस वाली जो एक्सरसाइज 5.1 है उसको इजीली समझ सके। तो इसमें हमें एपी का बताना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में है या नहीं है। पहले स्थिति को समझना होगा कि जो सबसे पहले स्थिति दे रखी है इन्होंने, ये दे रखी है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया दे रखा है 15 रुपये, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, मतलब कि जो प्रथम किलोमीटर का तो 15 दे दिया और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया दिया है वो 8 रुपये है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया है ये लिख लेते हैं हम, दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो आपका 15 रुपये है। ठीक है, और जो अतिरिक्त किलोमीटर का किराया है, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया वो आपका 8 रुपये है। तो जैसे प्रथम किलोमीटर अगर हम 15 रुपये जो है उसका टैक्सी का किराया हुआ, तो जो अगले किलोमीटर में होगा वो क्या होगा, 15 तो वे है ही और प्लस 8 हो जाएगा। और जब तीसरे की बात करेंगे तो उस समय क्या होगा, 23 प्लस 8 हो जाएगा, मतलब जो इसमें श्रृंखला बनेगी, श्रृंखला वो किस तरह से बन जाएगी कि पहले क्या होगा, 15 होगा किराया, फिर उसके बाद जो है हम अतिरिक्त 15 से, मतलब जो है 1 किलोमीटर, ये प्रथम किलोमीटर का है, तो दूसरे किलोमीटर का क्या होगा, 15 प्लस 8 हो जाएगा, 15 प्लस 8 हो जाएगा। और जो तीसरा किलोमीटर होगा उसमें क्या होगा, जो ये 15 प्लस 8 है, 15 प्लस 8 इसमें क्या होगा, 8 जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या है, श्रृंखला बनती चली जाएगी। तो ये क्या होगा, पहला 15 हुआ, दूसरा 15 और 8 कितने हो गए, 23 हो गए, 15 प्लस 16 कितना, ये कितने हो जाएंगे, 23 और 8 जो है 31 हो जाएंगे ये इस तरीके से, फिर 31 8 क्या होंगे, 39 हो जाएंगे आपके। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है एक ये श्रृंखला जो सीरीज जो है बन गई है। ठीक है, तो पहले तो हमने स्थिति को पढ़ा है, स्थिति को पढ़ने से हमें जो है सीरीज मिल गई, श्रृंखला मिल गई। अब उस श्रृंखला को हमें देखना है कि क्या ये एपी है। तो एपी होने के लिए आपको पता है कि जो सर्वांतर, जो कर्मागत पदों का अंतर जो होगा वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम सबसे पहले कर्मागत पदों का अंतर निकाल लेते हैं, सबसे पहले D1 निकाल लेते हैं। D1 क्या होगा, A2 माइनस के A1। अब ये A2 क्या, ये A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4 इस तरह से चल रहे हैं। तो मतलब कि जो D1 होगा वो इन पदों का अंतर होगा, जो शुरू के कर्मागत जो दो पद हैं इनका, तो मतलब A2 माइनस के A1। अब जो D2 होगा तो पहले ये निकाल लेते हैं क्या होगा, 23 माइनस के 15 कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम D2 की बात करते हैं, D2 क्या होगा, ये क्या है आपका, सर्वांतर है, सर्वांतर इसको आप लिख लीजिए, सर्वांतर है। अब D2 क्या होगा, जो आपके ये पद हैं, मतलब कि A3 माइनस के A2 कितना है आपका, 31 है, और माइनस के ये जो A2 है आपका 23 है, कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पर जो ये सर्वांतर ये होगा। उसके बाद आपने D3 देखा, तो D3 क्या होगा आपका, A4 माइनस के A3, मतलब 39 माइनस के 31 होगा, और ये आ गया आपका 8। तो आपने देखा कि D1 D2 D3 मतलब जो कर्मागत पदों में जो अंतर है वो क्या है, समान है, मतलब 8 ही है, कि D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 जो है इस तरह से जो चल रहे हैं वो बराबर क्या है, 8 ही है। ठीक है, तो जो कि क्या है, समान है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, एपी है। तो आप लिख सकते हो कि चूंकि सर्वांतर जो है, सर्वांतर ब्रैकेट में कर लीजिए कि कर्मागत पदों का अंतर जो है, कर्मागत पदों का अंतर समान है। ठीक है, चूंकि कर्मागत पदों का अंतर समान है इसलिए आप कह सकते हो ये जो श्रृंखला है ये क्या है, एपी है, एपी में है आंसर।
ठीक है। इसी तरीके से सबसे पहले स्थिति को पढ़ना है और श्रृंखला बनाने के बाद उस श्रृंखला की जांच करनी है कि क्या ये श्रृंखला आपकी एपी में है या नहीं। तो उसने पूछा कि एपी सूची एपी है और क्यों, तो है ये तो पता लग गया, और क्यों है ये हमने बता दिया कि क्योंकि इसमें सर्वांतर जो है कर्मागत पदों का जो अंतर है वो क्या है आपका समान है। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें कहा है कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना जो इसमें बेलन की जो हवा है वो कितनी है, वो मान लेते हैं माना बेलन में हवा वो हम मान लेते हैं कि ये है 1 m³ जो है वो एक मतलब 1 m³ जो है आपकी बेलन में हवा है, एक है, ठीक है। तो अब उसने क्या करा, हवा निकालेगा वो पंप जो है, तो हवा निकाली वो देखते हैं हम कितनी निकाली, हवा निकाली तो जो हवा निकाली उसने कहा है कि हवा जो निकालता है वो क्या निकालता है, बेलन की हवा का 1/4 भाग। बेलन की हवा इसको T1 बोल देंगे हम, ठीक है, T1 ये क्या है, T1 है वो एक है, और इसका क्या है एक का क्या निकालेगा, 1/4 वो निकाल देगा, ठीक है। तो 1/4 क्या होगा, एक का 1/4 ही होगा, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद हमें जो है मतलब ये निकालेगा वो, तो अब बची कितनी, तो T2 हो जाएगी वो, तो T2 कितनी होगी, अब एक में से 1/4 भाग निकल चुका है तो कितना बचा, 3/4, ठीक है, ये 3/4 आ गया। उसके बाद क्या होगा, अब फिर से वो हवा निकालेगा, ये एलसीएम लेकर आ गया, ठीक है। अब ये हवा फिर से निकालेगा, हवा निकाली फिर से कितनी हवा निकालेगा, जैसे उसने बताया कि कितना 1/4, अब हवा कितनी है 3/4 है, तो 3/4 का 1/4 वो जब निकालेगा तो ये कितना आ गया, 3/16 आ गया, ठीक है। तो हवा निकाली 3/16, तो अब T3 क्या होगा, जो अब हवा शेष बची उसमें वो कितना होगा, 3/16 जो है ये जो है आपका कितना होगा, 3/16, 3/4 थी पहले, 3/4 थी ना T2, तो अब ये हवा जो निकाल दी 3/16 निकाल दी, तो माइनस के 3/16 हो जाएगा इक्वल्स टू, तो 16 एलसीएम आ गया, 4 × 16 4 × 3 = 12, माइनस के 16 × 16 3 आ जाएगा, और 12 में से 3 गए 9/16। पहले हवा एक थी, 1/4 निकाल दी, किस में से निकाल दी, एक का 1/4, तो 1 - 1/4 3/4 आ गया। फिर उसके बाद हवा निकाल दी उसने, 1/4 ही निकालेगा वो बेलन की हवा का, क्योंकि अब बेलन में हवा क्या है T2 है 3/4, तो उसका 1/4 निकालेगा, तो उसका 1/4 कितना होगा, 3/4 का 1/4 होगा 3/16, मतलब इतनी हवा निकालेगा। तो शेष कितनी बची, मतलब अब जो होगा T3 क्या है, शेष बची हवा जो है बेलन में वो कितनी होगी, 3/4 थी अभी, उसमें से क्या है 3/16 निकाल दी, तो कितनी बची 9/16, ठीक है। इस तरह से T1 T2 T3 एक और निकाल लेते हैं चलो हम, कि अब क्या होगा, हवा फिर से निकालेगा वो, हवा निकाली ये जो पंप है फिर से हवा निकालेगा, तो वो कितनी होगी जो अब है इसमें बेलन में, कितनी है 9/16 है, उसका 1/4, तो 9 × 1 = 9, 16 × 64 इतनी हवा निकालेगा। तो अब शेष जो बचेगी हवा कितनी होगी, T4, तो T4 क्या होगा आपका, जो 9/16 इस समय है अवेलेबल उसमें, और उसमें से हवा निकाल दी 9/64 जो है, ठीक है, तो 64 एलसीएम आ जाएगा, 16 × 64 4 × 36 आ जाएगा, और माइनस के 64 × 64 9 आ जाएगा, 39 में से 9 गए कितना आ गया 30/64 आ गया। तो अब हमारे पास एक श्रृंखला तो पता लग गई हमें, अब श्रृंखला क्या होगी, श्रृंखला तो जो श्रृंखला होगी वो क्या आई, T1 कितना था, एक था आपका, ठीक है, T2 कितना है 3/4 है, T3 कितना है आपका 9/16 है, T4 कितना है 30/64 है, तो ये आपकी जो है श्रृंखला आ गई है। अब आपको ये देखना है क्या ये एपी में है या नहीं है, तो इसके लिए हमें D1 निकालना पड़ेगा, तो D1 क्या होगा, A2 - A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3, A4, मतलब A1 A2 A3 का मतलब प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद इस तरह से, ठीक है। तो अब A2 क्या है 3/4 माइनस का 1 क्या होगा आपका 4 एलसीएम, तो 3 माइनस के कितना होगा 4 हो जाएगा, तो यहां से कितना आ गया 1/4 आ गया, किसका आया माइनस का आ गया ये आपका, ठीक है, तो माइनस का 1/4 आ गया। उसके बाद हम D2 निकालते हैं, D2 क्या होगा, D2 जो होगा A3 माइनस के A2 होगा, तो अब A3 कितना है आपका 9/16 हो गया, और माइनस के A2 कितना है 3/4, तो यहाँ से 16 एलसीएम आ गया, 16 × 16 9 हो जाएगा माइनस के, अब ये 4 × 16 तो 4 × 3 = 12 आ जाएगा, 12 में से 9 गए 3 आ गया, और माइनस का आ गए और बटे 16 हो गए,
ठीक है। इस तरीके से हमने D1 निकाला, D2 निकाला, अब हम D3 भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो D3 क्या होगा आपका, ये A4 माइनस के A3 हो जाएगा, और A4 कितना है 30/64 है आपका, और माइनस के जो है 9/16 हो जाएगा, इक्वल्स टू 64 आ जाएगा एलसीएम, और 30 आ जाएगा माइनस के 16 × 64, 4 × 9 = 36 आ जाएगा, और जो है यहाँ से 36 में से 30 गए, 6/64 आ गया, और ये किसका आया माइनस का आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने देखते हैं D1 D2 D3 क्या है आपके, बराबर तो नहीं है, समान नहीं है, और जब सर्वांतर आपका समान नहीं होता, सर्वांतर ये कर्मागत पदों का अंतर ही है, तो इसलिए ये क्या AP नहीं है, क्योंकि D1 D2 D3 समान नहीं है। तो इसलिए AP नहीं है। क्लियर हो गया आंसर। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कहा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, ठीक है, एक कुआं खोदने में आई लागत, तो उसमें जो खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती है, तो उसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रथम मीटर खुदाई की जो लागत है वो क्या है आपकी ₹150 है, और जो बाद में खुदाई की लागत है वो क्या होगी ₹50 बढ़ रही है। तो प्रथम मीटर में क्या होगा ₹150 ही लगेंगे, लेकिन उसके बाद जब दूसरा मीटर खुदेगा तो उसके बाद क्या होगा आपका ₹150 में क्या होगा +50 कर देंगे, क्योंकि ₹50 और ऐड हो रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा आपको ₹200 हो जाएगा। जब तीसरा करेंगे क्या होगा, तो प्रथम मीटर के हिसाब से 2 ₹150, दूसरे के 50 और तीसरे के 50, तो कितने हो जाएंगे ये ₹250 हो जाएंगे। फिर ऐसे चौथे में क्या होगा, प्रथम मीटर के हिसाब से 150 प्लस फिर उसके बाद 50, दूसरे का 50, तीसरे का 50 और चौथे का 50, तो यहां से 300 आ जाएंगे। या फिर आप कह सकते हो कि प्रथम मीटर में 150 हुए, दूसरे में 150 प्लस 50 200 हो गए, फिर 200 में क्या होगा 50 ऐड कर देंगे 250, 250 में 50 ऐड कर देंगे 300, क्योंकि हमारा जो जो एक प्रथम मीटर के में 150 है, लेकिन आगे जो खुदाई जितनी भी होगी उसके हिसाब से 50-50 रुपए जो है मीटर के हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारी एक यहाँ पे श्रृंखला तैयार हो जाती है कि क्या होगी 150, 200, 250, 300 इस तरह से चल रही है। तो अब हमें श्रृंखला तो मिल गई, लेकिन अब हमें देखना है कि क्या ये AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए हमें सर्वांतर अर्थात क्रमागत पदों का अंतर चेक करना होगा। तो यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, तो हम D1 कैलकुलेट कर लेते हैं। D1 क्या होगा आपका A2 माइनस के A1, तो A2 कितना है आपका 200 है, और माइनस के क्या होगा A1 150 है, तो यहाँ से 50 आ गया। फिर D2 कैलकुलेट कर लेते हैं, A3 माइनस के A2 250 माइनस के 200 50 आ गया फिर से, और ये आपका D3 जो होगा A4 माइनस के A3 मतलब 300 माइनस के 250 ये आपका 50 आ गया। आप यहाँ देखते हैं कि चूंकि सर्वांतर जो D1 D2 D3 वो क्या समान है, ठीक है, तो इसलिए हम जो है कह सकते हैं कि जो आपका जो स्थिति हमें दी गई थी वो AP में है। ठीक है, तो इस तरह से ये बड़ा सिंपल है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है उसमें कहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जो है, जबकि ये निकालना है इस तरह से, तो जबकि ₹10,000 की राशि जो है 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, मतलब हमें जो वार्षिक ब्याज लग रहा है वो 8% का लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले वर्ष क्या होगा 10,000 ही हैगी। पहला वर्ष जो होगा आपका कितना होगा, पहला वर्ष, तो पहले वर्ष के लिए कितना है ₹10,000 है, ₹10,000। ठीक है, और अब जो है दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, दूसरे वर्ष जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये जो दूसरे वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा, ये मूलधन मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो यहाँ पे मूलधन 10,000 होगा गुना 8% की वार्षिक दर हुई, तो 8 हो जाएगा गुना समय क्या है एक वर्ष के लिए है, और अपॉन में 100 हो जाएगा ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 8 है और ये 2 जीरो, तो ये क्या होगी 800 हो जाएगा आपका। तो आपका दूसरे वर्ष में जो ब्याज होगा चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, ठीक है, वो इतना होगा 800। ठीक है, तो ये मिश्रधन निकल जाएगा यहाँ से, कितना हो जाएगा यहाँ पर पहले वर्ष के लिए इतना, तो दूसरे वर्ष के लिए कितना होगा आपका, तो दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा आपका, दूसरे वर्ष के लिए होगा आपका कितना, ये 10,000 में 10,000 प्लस 800 इक्वल्स टू 10,800। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद जो है अब दूसरे के लिए निकालिए, क्योंकि हम सीरीज बनाकर देखना है किसकी बनेगी। अब तीसरे वर्ष के लिए भी देख लेते हैं, तो ये जो तीसरा वर्ष होगा, तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज वो किस तरह से निकलेगा, वो इस तरह से निकलेगा कि जो दूसरे वर्ष में है, तो ये मूलधन का काम करेगा, मूलधन गुना दर कितना है 8 गुना समय 1 और बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी,
ठीक है, तो 108 इंटू में 8 हो जाएगा, मतलब कि 8 और 2 64 हो जाएगा, और 8 एकम 8 864 आ गया आपका। तो अब तीसरे वर्ष जो धनराशि होगी तीसरे वर्ष की वो क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 10,800 प्लस 864, तो ये आ गया आपका कितना 11,664। ठीक है, तो आपने यहाँ पे श्रृंखला देखी है, श्रृंखला जो होगी पहले 10,000 है, फिर उसके बाद क्या होगा 10,800 हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आपका 11,664, ठीक है, इस तरह से ये हो रहा है। तो आपने यहाँ पर अगर हमें बताना है कि एपी है या नहीं है इस स्थिति में, तो इस स्थिति में एपी निकालने के लिए वही D1 इक्वल्स टू क्या होगा A2 माइनस के A1 होगा। A2 कितना है 10,800 है, ठीक है, माइनस के A1 10,000 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 800 आ गया, ठीक है। और D2 अगर निकालना है तो वो A3 माइनस के A2 हो जाएगा, तो 11,664 माइनस के 10,800 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 864 आ जाएगा। चूंकि D1 D2 क्या है ये जो आ रहे हैं, आगे D3 भी समान नहीं आएगा, तो D1 D2 जो है ये क्या है समान नहीं है, समान नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं AP नहीं है, ठीक है, इसलिए AP नहीं है। तो सिंपल था। अब इसका नेक्स्ट, तो स्थिति पहले आपको पढ़ लेनी है और उसके बाद जो है यहाँ से श्रृंखला बनेगी और श्रृंखला बनने के बाद आप चेक कर सकते हो जो है एपी है या नहीं है। अब इसी क्वेश्चन का जो है इसमें जो है फिफ्थ पार्ट दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम चार पद जो है लिखिए, जबकि प्रथम पद जो है ए और सर्वांतर डी जो है निम्नलिखित है। ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम चार पद हमें निकालने हैं दी हुई एपी के, ठीक है, प्रथम पद दे दिया और सर्वांतर दे दिया। तो आपको पता है कि प्रथम पद अगर जो है आपका a बराबर आपका 10 है, ठीक है, तो जो ये जो दूसरा पद होगा, दूसरा पद वो क्या होता है आपका, दूसरा पद बराबर क्या होगा a प्लस डी होगा, और d भी आपका क्या है 10 है, तो a क्या है 10 प्लस 10 क्या होगा 20 होगा। फिर हम तीसरा पद निकालते हैं, तो तीसरा पद क्या होगा आपका, तीसरा पद वो क्या होगा a प्लस 2d। आप जानते हैं वो जो एपी होती है वो क्या होती है a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, व्यापक रूप यही होता है इसका, a प्लस 4d, और इस तरह से चलती जाती है, ठीक है। तो हमें प्रथम चार पद निकालने हैं, ठीक है, तो एक ये हो गया प्रथम पद, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया ये, कि अब a प्लस 2d, a कितना है 10 है, प्लस 2 इंटू में d कितना है 10 है, तो ये 10 प्लस 10 दूनी 20, तो 20 और 10 30 क्या 10 क्या होंगे 30 हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब तीसरा पद निकल गया, अब निकालना है हमें चौथा पद, तो जो चौथा पद होगा वो क्या होगा a प्लस 3d, ठीक है, a कितना है 10 है, प्लस 3 इंटू में d कितना है 10 है, तो 10 प्लस 10 दिया 30 हो जाएंगे 30, और 30 और 10 कितना होगा आपका 40 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो चारों के चारों पद निकल गए, तो आप लिख सकते हो जो प्रथम चार पद हैं, प्रथम चार पद वो क्या हुए आपके 10 20 30 40 आंसर, ठीक है। आइए इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना दिया है, माइनस के 2 दिया है, d इक्वल्स टू 0 दिया है, तो प्रथम पद क्या होगा आपका, इसका प्रथम पद जो होगा वो आपका क्या होगा a होगा बराबर माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पद जो होगा, अब दूसरा पद a प्लस डी होता है, a कितना है माइनस के 2 प्लस d कितना है 0, तो माइनस के 2 हो जाएगा। तीसरा पद जो होगा आपका, तीसरा पद क्योंकि हमें चार पद निकालने हैं, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2 इंटू में d, तो a कितना है माइनस के 2 प्लस 2 इंटू में d कितना है 0, तो ये क्या होगा माइनस के 2 होगा। चौथा पद जो होगा, चौथा पद a प्लस 3d, तो यहां a कितना है माइनस के 2 है, प्लस 3 इंटू में d कितनी 0 है, तो ये भी माइनस के 2 होगा। इस प्रकार आपके जो प्रथम चार पद जो है आपके आ गए हैं, तो आप कह सकते हो कि प्रथम चार पद जो हैं, चार पद आपके क्या हैं, माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 2, ठीक है आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, a इक्वल्स टू 4 है, d इक्वल्स टू माइनस के 3 है, तो यहाँ पे जो प्रथम पद है वो क्या है, a दे ही रखा है आपका, प्रथम पद a इक्वल्स टू जो है आपका 4 है। दूसरा पद अगर हमें निकालना है, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद a प्लस d हो जाएगा,
ठीक है, ए कितना है आपका 4 और डी आपका कितना है माइनस के 3। ठीक है, तो 4 माइनस के 3 आपका आ गया 1। ठीक है, और जो अब तीसरा पद होगा आपका, तीसरा पद ये क्या होगा, ए प्लस 2 इंटू में डी, ए प्लस 2d, तो ए कितना है आपका 4 है, प्लस 2 इंटू में डी जो है आपका माइनस के 3 है, तो यहाँ पे 4 हो गया और 3 दूनी 6 माइनस के 6 हो गए और 6 में से 4 गए 2, माइनस का 2 आ गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद है चौथा पद, चौथा पद वो क्या होगा आपका, ए प्लस 3d इक्वल्स टू क्या होगा, ए कितना है आपका 4 प्लस 3 इंटू में डी कितना है माइनस के 3, तो ये 4 और ये 3 या 9 माइनस के 9 हो जाएंगे और यहाँ पे 9 में से 4 गए 5 माइनस के 5। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है प्रथम चार पद आ गए, तो आप चारों के चारों पद लिख सकते हो, चार जो पद हैं प्रथम चार पद वो आपके हो गए, 4 हो गया, 1 हो गया, माइनस के 2 हो गए और माइनस के 5 आंसर। ठीक है, और उसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें कहा है ए इक्वल्स टू माइनस के 1 और डी इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम पद होगा आपका, प्रथम पद, प्रथम क्या पद क्या होगा, ए इक्वल्स टू माइनस के 1 होगा। अब दूसरा पद जो होगा आपका, दूसरा पद ए प्लस क्या होगा, डी होगा, ए प्लस डी, ए कितना है माइनस के 1 है, प्लस जो डी की वैल्यू है वो है आपकी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, माइनस 1 प्लस 1/2 1/2 आ जाएगा और प्लस की संख्या बड़ी है तो माइनस की संख्या बड़ी है तो ये माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा भी आ गया, अब तीसरा पद अगर हम निकालते हैं, तीसरा पद, तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2d। ठीक है, तो a कितना है माइनस के 1 प्लस 2 इंटू में d, d कितना है 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा और 1 में से 1 गई, 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू आ गया आपका 0। ठीक है, अब उसके बाद 3 तो हो गया, अब उसके बाद हम निकालते हैं चौथा पद, चौथा पद, तो चौथा पद क्या होगा आपका, a प्लस 3d इक्वल्स टू क्या होगा, a का मान क्या है माइनस के 1 है, प्लस 3 इंटू में जो d है आपका 1/2 है, तो यह आ गया आपका माइनस 1 प्लस 3/2। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा एलसीएम और तो यहाँ पे आएगा माइनस के 2 प्लस 3/2, तो यह आ गया आपका 1/2, 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो जो चार पद आए, प्रथम चार पद वो क्या आ जाएंगे आपके, माइनस के 1 आ जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब तो इसका एक फिफ्थ पार्ट और रह रहा है, तो फिफ्थ पार्ट में क्या होगा, ए इक्वल्स टू माइनस के 1.25 है, डी इक्वल्स टू माइनस के 0.25 है, तो यहां पर जो प्रथम पद होगा आपका, प्रथम पद, तो प्रथम पद आपका हो जाएगा ए ही है, इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस के 1.25 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पद, दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी हो जाएगा और a कितना है माइनस के 1.25 हो गया, प्लस d जो है माइनस का 0.25 है, इक्वल्स टू आप कह सकते हो इसको क्या, माइनस के 1.25 और माइनस के 0.25 कितना हो जाएगा, माइनस के 1.25 माइनस के 0.25 कितना हो गया, ये माइनस के यह आ गया 1.5 आ गया माइनस के, सॉरी। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पद, तीसरा पद, तो तीसरा पद जो होगा a प्लस क्या होगा 2d होगा आपका इक्वल्स टू, अब a क्या है माइनस के 1.25 है, प्लस 2 इंटू में d कितना है माइनस के 0.25 हो गया, फिर यहां से हम क्या करेंगे, माइनस के 1.25 और ये 0.25 जो है इंटू में 2 करेंगे और ये माइनस का आ जाएगा 0.5। ठीक है, और उसके बाद जो है जब हम इसको जोड़ते हैं माइनस, ठीक है, माइनस के 1.25 और माइनस के 0.50 तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 1.75 आ गया। अब उसके बाद बस एक रह गया आपका चौथा पद निकालना, चौथा पद जो होगा वो क्या होगा आपका a प्लस 3d, तो a प्लस 3d में माइनस के 1.25 हो गया a और आपका प्लस 3 और जो d है माइनस के 0.25, तो यहां से आ गया माइनस के 1.25 और ये जो होगा माइनस के आएंगे और 0.25 इंटू में 3 जो होगा 0.75 हो जाएगा और यहां से ऐड करेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा आपका ये 2 आ जाएगा, लेकिन ये आएगा माइनस का, माइनस के 2। ठीक है, तो यहां से आपके चार पद जो आ गए, प्रथम चार पद जो आ गए वो ये हैं, माइनस के 1.25,
-1.5, -1.75 और माइनस के 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, प्रत्येक एपी है उसके लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए, सर्वांतर लिखिए। ठीक है, तो प्रथम पद तो आपको मालूम है, ये 3 हो गया, तो ये तो प्रथम पद हो गया आपका। तो यहाँ पे जो एपी है इसलिए प्रथम पद जो है इसमें, यहाँ प्रथम पद इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डी1 निकालते हैं। d1 इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस के a1। अब यहाँ a2 कितना है, a1 ये है, a2 ये है, a3 ये है, a4 ये है, तो a2 कितना है, 1 हो गया, माइनस के 3 a1। तो यहाँ पे से कितना आ गया, 3 में से गए 2, माइनस के 2 आ गया, तो d1 आपका निकल गया। अब उसके बाद d2 निकालते हैं, d2 इक्वल टू क्या होगा, a3 माइनस के a2। तो a3 कितना है, यहाँ पे माइनस के 1 है, और माइनस a2 कितना है, माइनस 1 ही है, सॉरी a2 1 हैगा 1। ठीक है, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, तो d2 निकल गया। फिर हम निकालते हैं d3, कैलकुलेट करते हैं d3 क्या होगा, a4 माइनस के a3। तो a4 माइनस के 3 है और माइनस के a3 कितना है आपका, a3 है माइनस के 1। तो यहां से आ गया माइनस के 3 प्लस 1 माइनस 2। तो आपने देखा d1 d2 d3 समान है, तो ये सार्वंतर जो होगा आपका, सार अंतर जो होगा आपका d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 2, और प्रथम पद क्या है आपका, a बराबर 3। तो ये आंसर है आपका। ठीक है, और इसमें एक ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद जो है वह है आपका माइनस के 5। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या निकालने हैं, सार्वंतर निकालने के लिए d1 निकालते हैं, a2 माइनस के a1। a2 कितना है, माइनस के 1 माइनस के a1 कितना है, माइनस के 5। ठीक है, तो माइनस 1 और प्लस 5, तो यहाँ पे से 5 में से 1 गए, 4 आ गए, ये आपका क्या आ गया, d1 आ गया है। अब d2 कैलकुलेट करते हैं, d2 इक्वल टू क्या होगा, a3 माइनस के a2। अब a3 कितना है, 3 है, माइनस का a2 कितना है, माइनस के 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ से आ गए आपके 4। इसी तरीके से d3 भी कितना आएगा, 4 ही आएगा, तो a4 माइनस के a3 होगा, और a4 कितना है आपका, 7 है, माइनस के 3, और 7 में से 3 गए 4। तो यहाँ पे सार्व अंतर आप लिख सकते हो, सार्व अंतर d बराबर जो होगा 4 है, ये आंसर है, और प्रथम पद का माइनस 5 है, एक ही आंसर है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। तो जो इसमें क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड का जो थर्ड पार्ट है, इसमें है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 जो है। ठीक है, तो इसमें भी हमें जो है पहले प्रथम पद जो है निकालना है और फिर सार्वंतर निकालना है। तो प्रथम पद क्या होगा इसमें, प्रथम पद जो है वो 1/3 होगा आपका, और सार्वंतर के लिए सबसे पहले d1 निकालते हैं। d1 इक्वल टू a2 माइनस के a1 हो जाएगा। a2 कितना है, 5/3 है, 5/3 माइनस के कितना होगा a1, 1/3। तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस के 1/3 इक्वल टू 4/3 आ गया आपका। ठीक है, ये d1 आ गया। अब इस तरह से d2 निकालते हैं, a3 माइनस के a2 आ गया इक्वल्स टू, a3 कितना है आपका, 9/3 है माइनस के a2 5/3 है। ठीक है, तो 9 माइनस के 5/3, तो 9 में से 5 गए 4, 4/3 आ गया यहाँ। फिर हम d3 की बात करते हैं, d3 क्या होगा, a4 माइनस के a3 होगा। अब a4 कितना है, 13/3 है और माइनस के 9/3 हो गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 13 माइनस के 9/3, तो ये आपके आपका 4/3। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका सार्वंतर आया है वो कितना आया है, 4/3 आ गया, d बराबर 4/3, कर्मागत पदों का अंतर। ठीक है, सार्वंतर जो होता है, तो ये आ गया 4/3 आंसर। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट और है, ये जो है इसमें है 0.6 क्या होगा आपका, ये प्रथम पद होगा आपका, प्रथम पद आ गया आपका इसमें 0.6 हो गया। उसके बाद जो है हमें सार्वंतर निकालना है, तो d1 इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस के a1 होगा। a2 कितना है, 1.7, ठीक है, 1.7 माइनस के 0.6, तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, आपका 1.7 माइनस के 0.6 1.1 आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद जो है d1 हो गया। अब d2 बात करते हैं, d2 क्या होगा, a3 माइनस के a2 हो जाएगा, और यहाँ पे a3 कितना है,
A3 जो है 2.8 है माइनस के A2, A2 कितना 1.7 हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। ऐसे ही D3 करते हैं, D3 A4 माइनस के A3 होगा, और A4 की वैल्यू कितनी है 3.9 है माइनस के जो A3 है वो क्या है 2.8 है, तो यहाँ पे से कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। तो आपने देखा सब में समान आ रहा है, तो यही सार्व अंतर है। तो सार्व अंतर जो होगा आपका कितना होगा D इक्वल्स टू 1.1 आंसर, ठीक है। अब इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले तो ये बताना है कि कौन सी एपी है, कई सारे इसके पार्ट हैं, तो यदि कोई एपी है, जो एपी निकल गया है अगर है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, और अगले तीन पद भी इसमें लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब हम सबसे पहले एपी का अगर हम चुनाव करते हैं, जांच करते हैं, तो एपी की जांच के लिए क्या होगा, तो एपी की जांच के लिए हम सार्व अंतर निकालते हैं, तो हम D1 कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रथम पद लिख लेना पहले आप कि जो है, ठीक है। तो D1 कैलकुलेट करते हैं वो क्या होगा A2 माइनस के A1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से A2 माइनस के A1 कितना होगा 4 माइनस के 2 इक्वल्स टू 2 आ गया। फिर हम D2 कैलकुलेट करते हैं, A3 माइनस के A2 हो जाएगा, जो कि A3 कितना है 8 माइनस के 4 इक्वल्स टू 8 में से 4 गए 4 आ गया, ठीक है। अब हम D3 कैलकुलेट करते हैं, तो A4 माइनस के A3 हो जाएगा, A4 कितना है 16 माइनस के और A3 8 आ गया, तो 8 आ गया। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर D1 D2 D3 बराबर नहीं है, सर्वांतर बराबर नहीं है, मतलब कर्मागत पदों में जो अंतर है वो समान नहीं है, और जब ये समान नहीं होता तो ये हमारी AP नहीं है। तो चूंकि जो है D1 D2 D3 समान नहीं है तो इसलिए AP नहीं है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि 2 5/2, 3 7/2, ठीक है। तो ये है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर भी D1 ही कैलकुलेट करेंगे, D1 इक्वल टू A2 माइनस के A1 हो जाएगा आपका। A2 कितना है 5/2 माइनस के A1 कितना है आपका 2, तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस के 4/2, तो 5 में से 4 गए 1/2, तो एक D1 तो आपका ये कैलकुलेट हुआ। अब D2 कैलकुलेट करके देखते हैं, तो वो आपका हो जाएगा A3 माइनस के A2, A3 मतलब कि 3 माइनस के 5/2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा 3 × 2 = 6 हो जाएंगे, यहाँ से 2 एल क्षमा के और माइनस के 2 × 1 = 5 और ये अपॉन में 2 6 में से 5 गए 1/2, ये एलसीएम लेकर कराया हमने सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ से आपका D2 आ गया 1/2, ठीक है। अब D3 भी कैलकुलेट करके देखते हैं, वो क्या होगा A4 माइनस के A3 हो जाएगा। A4 कितना है 7/2 हो जाएगा माइनस के 3, इक्वल्स टू क्या होगा 7 माइनस के 6/2, तो यहाँ पे से भी 1/2 ही आया है। तो चूंकि D1 D2 D3 बराबर है, तो इसका मतलब A1 AP तो ये है ही, चूंकि D1 D2 D3 समान है तो इसलिए AP है। तो AP है तो इसका आप सर्वांतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर ज्ञात कर ही दिया 1/2, तो D इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1/2, यहाँ पे इसको सर्वांतर लिख देना, एक आंसर आ गया। उसके बाद अगले तीन और पद ज्ञात करने, आपको पता है कि जो ये AP होती है इसमें क्या होता है, हर एक पद में जो कोई भी पद हो, जैसे इसमें अगर हम D जोड़ देते हैं तो क्या होता है अगला पद आ जाता है, ठीक है। जैसे पहले पद में D जोड़ दिया तो दूसरा आ गया, दूसरे में D जोड़ दिया तीसरा आ गया, तीसरे में D जोड़ दिया चौथा आ गया, इस तरह से चौथे में D जोड़ देंगे अगला आ जाएगा, क्योंकि सर्वांतर जोड़ देते, ये जो होता है ना समान जो अंतर होता है उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये अगले तीन पद कहा, तो अगला जो पहला पद होगा उसका, या फिर 1 2 3 4 चौथा पद तो हो गया, अगला क्या होगा पांचवा पद, तो हमें A5 निकालना है। पांचवा पद जो होगा A5 इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होगा 7/2 हो गया ये चौथा, और उसमें जोड़ दो 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 8/2 आ जाएगा, तो जो कि आपका 4 आ गया। फिर हम A6 निकालेंगे, A6 क्या होगा 4 जो होगा, क्योंकि A5 में जोड़ेंगे तो 4 में हम क्या जोड़ देंगे 1/2 जोड़ देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा आपका 8 + 1/2, तो ये आपका आ गया 9/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है A6 हो गया, A7 जोड़ेंगे, A7 में 9/2 जो आया है इससे पहले वाला पद उसमें क्या जोड़ देंगे सार्वंतर, मतलब 1/2 जोड़ देंगे, तो 9 × 10/2 हो जाएगा आपका, तो इसको क्या बोलेंगे 5 बोल देंगे। तो आपके अगले तीन पद भी आ गए निकल कर, ये आ गया इसका आपका आंसर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम, तो इसका थर्ड पार्ट जो है, ठीक है, इसको चेक करिए, जांच करते हैं कि क्या ये AP है या नहीं है। तो D1 कैलकुलेट करते हैं हम इसमें, तो D1 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस के, ये D1 इक्वल्स टू होगा A2 माइनस के A1, ठीक है।
तो ए टू माइनस के ए वन, अब ए टू कितना है माइनस के 3.2 हो गया माइनस के, अब ए वन जो है माइनस के 1.2 है, तो यहां से आ जाएगा माइनस के 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, कितना हो गया यहां से आपका 2 आ गया, ठीक है। और ये किसका आएगा, माइनस का आ गया आपका। अब हम डी टू कैलकुलेट करते हैं, डी टू इक्वल टू क्या होगा आपका ए थ्री माइनस के ए टू, ए थ्री कितना है आपका माइनस के 5.2 माइनस का ये आ गया माइनस के 3.2, तो इसको बोल सकते हैं माइनस के 5.2 और ये माइनस माइनस प्लस 3.2, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका जो है ये माइनस का आ गया 2, ठीक है। इस तरह से अब तीसरा डी थ्री भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हो गया ए फोर माइनस के ए थ्री हो जाएगा ए फोर, ए फोर का मतलब माइनस के 7.2 और माइनस माइनस 5.2 जो आपकी जो आ जाएगा माइनस के 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 इक्वल्स टू आ गया माइनस के 2, ठीक है। तो चूंकि डी वन डी टू डी थ्री जो है आपके समान है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपकी क्या है एपी है, एपी इसलिए एपी है। और अब हमें अगले तीन पद निकालने हैं, एक दो तीन चार, चार उसने दे देते तो हमें ए फाइव निकालना है। ए फाइव क्या होगा, ए फोर जो माइनस के 7.2 है उसमें क्या होंगे, हम जो है डी को जोड़ देते हैं, और डी क्या है आपका सर्वांतर जो है डी इक्वल टू कितना है माइनस के 2 है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक है, माइनस के 2 ये कैलकुलेट कर, ये अलग से दिखाना है, यहाँ पे लिख देना सार्वंतर, ठीक है। तो माइनस के 2 का जब हम ऐड करेंगे माइनस के 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका माइनस के 9.2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ए सिक्स निकालेंगे, ए सिक्स क्या होगा माइनस के 9.2 और प्लस माइनस के 2 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा प्लस माइनस माइनस ही होगा और ये हो जाएगा माइनस के आपका 11.2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जो होगा आपका 11 हो गया, उसके बाद आपका ए सेवन जो होगा माइनस के 11.2 और ये प्लस माइनस के 2 को जब हम करेंगे ऐड इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के आपका कितना 13.2, ठीक है। ये आपके तीन पद आ गए आंसर हैं, ठीक है। अब इसकी एक जो फोर्थ पार्ट है उसमें देखिए सीरीज दे रखी है ये, अब इसको सबसे पहले चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, डी वन कैलकुलेट करते हैं, डी वन सार्वंतर जो होगा यहाँ माइनस ये ए टू माइनस के ए वन हो जाएगा, ए टू कितना माइनस के 6 है, माइनस का ए वन कितना है माइनस के 10 है, तो माइनस के 6 प्लस 10 जो है कितना आ गया 10 में से 6 गए 4। डी टू कैलकुलेट करते हैं, ए थ्री माइनस के ए टू, ए थ्री कितना है आपका माइनस का 2 है, माइनस के ए जो ए टू है वो माइनस के 6 है, तो माइनस के 2 प्लस के 6 6 में से 2 गए 4 आ गया। डी थ्री कैलकुलेट करते हैं, ए फोर माइनस के ए थ्री, तो ए फोर जो है वो 2 है माइनस के और ए थ्री माइनस के 2 है, तो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, इतना आ गया। तो चूंकि डी वन डी टू और डी थ्री ये सब जो है आपके क्या है समान है, तो ये क्या होंगे इक्वल होने के कारण जो है ये, इसलिए ये एपी में है, एपी है। तो अब आपका जो सार्वंतर होगा, सार्वंतर क्या होगा, ये डी बराबर कितना होगा आपका 4 होगा, ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है, चार पद दे रखे, तो अगला निकालना है पांचवा छठा और सातवां, ठीक है, तीन आगे के निकालने हैं, तो पांचवा क्या होगा, चौथा पद देखो, चौथा पद क्या है उसमें 2 है, तो 2 में क्या जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ए सिक्स क्या होगा, जो 6 होगा उसमें आगे कितना सार्वंतर, मतलब डी जोड़ देंगे, मतलब 4 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। और ए सेवन जो होगा उसमें क्या होगा, 10 में 4 जोड़ देंगे हम, 14 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में चेक करना है सबसे पहले कि क्या ये एपी है या नहीं है। पहला पद 3 है, अगला 3 प्लस रूट 2 है, फिर 3 प्लस 2 रूट 2 हो गया, ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, इस तरीके से है। तो हम डी वन निकाल लेते हैं, क्या होगा ए टू माइनस के ए वन, ए टू कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस के ए वन 3 है, तो यहाँ से 3 में से 3 गए 0, तो रूट 2 बचा, तो ये तो आ गया आपका डी वन आ गया। डी टू क्या होगा आपका ए थ्री माइनस के ए टू, अब जो ए थ्री है वो क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस के क्या होगा ए टू, मतलब 3 प्लस रूट 2, तो यहाँ पे आपने देखा 3 माइनस के 3 तो 0 हो गया, और 2 रूट 2 सॉरी 2 रूट 2 है और प्लस रूट 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 रूट 2 हो गया, ये आपका आ गया डी टू। अब डी थ्री की बात करते हैं, वो क्या होगा ए फोर माइनस के ए थ्री, ए फोर कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 और माइनस के क्या होगा आपका, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि यह माइनस जब हम करेंगे ये 3 प्लस रूट 2 था, तो
तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस के 3 माइनस के रूट 2 था, तो 2 रूट 2 माइनस के रूट 2 रूट 2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे a3 क्या होगा, a3 जो है 3 प्लस 2 रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 3 प्लस 3 रूट 2 तो a4 था, और ये माइनस का जब हम करेंगे मल्टीप्लाई माइनस के 3 और माइनस के 2 रूट 2, तो 3 माइनस के 3 तो 0 हो गया, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गए, तो 3 में से 2 गए 1, तो ये रूट 2 बच गया, ये भी d3। तो आपने देखा चूंकि d1 d2 d3, चूंकि d1 d2 d3 क्या है आपके समान है, तो इसलिए ये ap तो है, ap है, ठीक है। और अब इसका अब हमें चार तो पद जो अगला पद होगा पांचवा पद होगा वो क्या होगा, चौथे पद में क्या और जोड़ देंगे रूट टू, मतलब क्योंकि सार्वंतर d इक्वल्स टू क्या है रूट टू, सार्वंतर हो जाएगा, लिख देना ये एक आंसर हो गया। उसके बाद अगले तीन पद निकाल लेते, तो ए फाइव जो होगा वो क्या होगा आपका थ्री प्लस थ्री रूट टू प्लस क्या होंगे रूट टू, तो ये क्या होगा थ्री प्लस फोर रूट टू हो जाएगा। ए सिक्स क्या होगा, थ्री प्लस फोर रूट टू जो होगा प्लस उसमें क्या कर देंगे रूट टू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका थ्री प्लस फाइव रूट टू हो जाएगा। और ए सेवन जो होगा वो होगा थ्री प्लस फाइव रूट टू, और ये आ जाएगा आपका प्लस रूट टू इक्वल्स टू हो जाएगा थ्री प्लस पाँच रूट टू प्लस एक रूट टू, तो छः रूट टू हो जाएगा आपका, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया आपके, ठीक है। अब इसका जो है एक पार्ट रह गया, सिक्स पार्ट है जो, तो सिक्स पार्ट में क्या होगा, इसमें दे रखा है सिक्स पार्ट में 0.2 प्रथम पद, 0.22 फिर 0.222 0.4 टाइम्स 2 इस तरीके से दिया है, तो चेक कर लेते हैं क्या ये एपी है या नहीं है। तो पहले हम डी1 निकालते हैं, डी1 इक्वल्स टू ए2 माइनस के ए1 हो जाएगा। अब जो ए2 है वो क्या है आपका 0.22 माइनस के 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे 0.22 में से 0.2 माइनस कर देंगे हम, तो 0. कितना बचेगा 0.2 बच जाएगा, ठीक है ना 0.02। और उसका जब d2 निकालेंगे a3 माइनस के a2 होगा, अब a3 क्या 0.222 हो जाएगा और माइनस के a2 0.22, तो यहाँ से होगा 0. कितना हो जाएगा आपका 0.002 आ जाएगा। फिर d3 जब निकालेंगे a4 माइनस के a3 हो जाएगा, तो यहाँ पर a4 कितना है 0.4 टाइम्स 2 हो जाएंगे माइनस के 0.3 टाइम्स 222 हो जाएंगे, तो ये 0. कितना हो जाएगा 0.002 आ गया। अब चूंकि d1 d2 d3 जो है समान नहीं है, इक्वल नहीं है, तो जब इसका सर्वांतर ही समान नहीं है तो ये क्या है ap नहीं है, इसलिए ap नहीं है आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका, तो इसका जो सेवेंथ पार्ट है उसमें जो है हमें चेक करना है पहले ap है या नहीं, फिर आगे के तीन पद निकालने हैं हमें। तो जो है सबसे पहले d1 निकाल लेते हैं, d1 इक्वल्स टू क्या होगा a2 माइनस के a1 हो जाएगा। अब a2 कितना है माइनस के 4 है, माइनस के a1 0 है, तो आपका आ गया माइनस के 4। अब d2 कैलकुलेट करते हैं, d2 इक्वल्स टू a3 माइनस का a2 हो जाएगा। a3 कितना है आपका, a3 है माइनस के 8 माइनस के a2 माइनस के 4, तो ये हो जाएगा माइनस के 8 और प्लस 4 कितना हो गया माइनस का 4। फिर d3 कैलकुलेट कर लेते हैं, a4 माइनस के a3, तो a4 आपका कितना है माइनस के 12 माइनस का जो a3 है माइनस का 8 है, तो माइनस के 12 प्लस 8 कितना हो गया आपका माइनस के 4। तो आपने देखा चूंकि d1 d2 d3 जो है क्या है आपका समान है, तो इसलिए ये क्या है ap में है, ap में है। तो जिसका जो सार्वांतर है d बराबर कितना होगा माइनस के 4 होगा आपका आंसर आगे। और उसका आगे के तीन पद जो निकालने हैं, मतलब ए फाइव क्या होगा आपका, मतलब माइनस के जो 12 है ठीक है उसमें क्या जोड़ देंगे माइनस के 4, तो माइनस के जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 4 16 माइनस के 16 हो जाएंगे। फिर ए सिक्स जो होगा माइनस के 16 में 4 जोड़ देंगे माइनस के, तो कितना हो जाएगा माइनस के 20 हो जाएगा। और ए सेवन में क्या होगा माइनस के 16 माइनस के 20 जो है उसमें हम क्या जोड़ देंगे माइनस के 4 जोड़ देंगे माइनस के 24 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गए, तीनों के तीनों पद कैलकुलेट हो गए। अब उसका जो सेवंथ क्वेश्चन हो गया, अब एट्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले डी वन कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा आपका ए टू माइनस का ए वन, तो ए टू कितना है माइनस के 1/2 माइनस के ए वन कितना है माइनस के 1/2, तो यहां से आपका देखा कि माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कितना हो गया आपका 0 हो गया, तो डी वन तो 0 आ गया। अब डी टू कैसे होगा, ए थ्री माइनस के ए टू, तो ए थ्री कितना है माइनस के 1/2 माइनस का ए टू कितना है माइनस के 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 आपका आ गया 0।
फिर उसके बाद देखते हैं D3 क्या होगा, A4 माइनस के A3, तो ये क्या होगा माइनस के 1/2 माइनस के 1/2, क्योंकि A3 भी 1/2 A4 भी 1/2 है, तो माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 जो होगा वो इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो आपने चूंकि D1 D2 D3 जो है आपके क्या है, समान है, तो आप इसको कह सकते हैं इसलिए ये AP में है। ठीक है, इसलिए ये AP में है, और तो आपका जो D होगा वो बराबर किसके होगा, जीरो के होगा। और अब हम आगे के जो तीन पद हैं वो निकाल लेते हैं, A5 निकाल लेते हैं। A5 क्या होगा, माइनस के 1/2 प्लस जीरो, तो कितना होगा आपका माइनस 1/2 ही होगा। A6 भी क्या होगा, माइनस के 1/2 प्लस जीरो, तो ये भी माइनस के 1/2 होगा। और A7 भी क्या होगा आपका, माइनस के 1/2 प्लस जीरो, कितना होगा माइनस के 1/2 आंसर। ठीक है, तो तीनों पद ही इसके माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 आएंगे। ठीक है, तो जो आपका 7th पार्ट भी हो गया, 8th पार्ट भी हो गया। अब आते हैं हम इसके 9th पार्ट पे। तो 9th पार्ट में सबसे पहले चेक कर लीजिए क्या ये AP में है या नहीं। तो D1 इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस के A1 हम करते हैं, तो A2 कितना है, 3। ठीक है, माइनस का 1, तो आपका आ गया 2, तो D1 आ गया इतना। अब D2 क्या होगा, A3 माइनस के A2, अब A3 कितना है, 9 है इसमें, माइनस के A2 कितना है, 3 है। ये A1 A2 A3 A4 आपको बताए हैं, पद होते हैं जो हमारी समांतर श्रेणी में जितने जो पद होते हैं उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पद है तो A1, दूसरा है A2, तीसरा है A3, इस तरीके से होते हैं। अब 9 में से 3 गए, कितना हो गया, 6 आ गया, तो D2 आ गया आपका 6, और D3 आपका कैलकुलेट करते हैं तो A4 माइनस के A3। अब जो A4 है वो कितना है आपका, 27 हो गया आपका जो है, और माइनस के ये A3 9, तो यहाँ से भी आपका कितना आ गया, 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब आप ये देखते हो कि D1 चूंकि D1 D2 और जो D3 है वो क्या है, समान नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये AP में नहीं है। ठीक है, इसलिए AP नहीं है। 9th पार्ट हो गया। 10th पार्ट में आप देखिए, पहले चेक करते हैं कि क्या ये AP में है, तो D1 निकालते हैं। D1 इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस के A1 हो जाएगा, ये क्या होगा, 2A माइनस का A इक्वल टू आ गया A, D1 कैलकुलेट हो गया। D2 क्या होगा, A3 माइनस के क्या होगा, A2 हो जाएगा इक्वल टू, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर, तो ये 1, 2, 3, 4, तो इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब A2 माइनस के A1, इसमें से इसको घटाएंगे A3 माइनस के A2। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3A माइनस के क्या होगा, 2A हो जाएगा, तो यहाँ से A आ गया ये भी, और जो D4 होगा वो होगा A4 माइनस के A3 हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका D1 आपका A2 माइनस के A1 हो गया, D2 A3 माइनस के A2 हो गया, और D4 जो सॉरी D3 ये D2 था आपका, ये यहाँ पे D2 था, और ये जो D3 होगा वो A4 माइनस के A3 हो जाएगा, और A4 कितना है आपका, 4A है, माइनस के A3 जो है 3A है, तो यहाँ से आपका A आ गया, तो ये D3 हो गया। अब चूंकि D1 D2 D3 क्या है आपके, समान है, तो इसलिए ये क्या होगा, AP में है, जो सीरीज है आपकी श्रृंखला जो दी है वो AP में है, जिसका जो सार्वंतर है वो कितना है आपका, A आ गया, A है, सार्वंतर A हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पांचवा पद, क्योंकि आगे के 3 पद निकालने, तो पांचवा पद निकालेंगे A5, वो बराबर क्या होगा, जो चौथा पद होगा उसमें सार्वंतर को जोड़ देंगे, मतलब 4A में D को जोड़ देंगे, तो 4A प्लस D क्या है, A है, तो ये क्या हो गया आपका, 5A हो गया, और A6 क्या होगा, 5A में A को जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया आपका, 6A हो गया, और A7 जो होगा वो क्या होगा, 6A प्लस A जोड़ देंगे, कितना हो गया आपका, 7A आंसर। ठीक है, उसके बाद जो है 10th पार्ट के बाद 11th पार्ट है, उसमें क्या है, 11th पार्ट में चेक करते पहले कि क्या ये उसमें AP में है, तो D1 इक्वल टू A2 माइनस के A1 जो हम करते हैं, तो A² माइनस का A, तो ये जो का तो ही रहेगा, फिर D2 क्या होगा आपका, A3 माइनस का A2, A3 कितना है, A³ है, माइनस के A2 क्या है, A² है, तो ये भी यही रहेगा आपका। ठीक है, इसमें आप ऐसा करना, इसमें A कॉमन ले लेते हैं, इसमें A कॉमन लेंगे तो A माइनस का 1 हो जाएगा, अब इसमें भी हम इसमें A² कॉमन ले लेते हैं, तो ये A माइनस का 1 हो जाएगा। फिर D3 अगर देखते हैं तो वो क्या होगा, A4 माइनस के A3 होगा, तो A4 कितना है, A4 जो है A⁴ है, माइनस के A³ हो जाएगा A3, तो यहाँ से A³ कॉमन आ जाएगा, तो A माइनस के 1 आ जाएगा। तो आप देखते हैं डी, तो जो D1 D2 D3 है वैल्यू अलग अलग है, यहाँ A⁻¹ है, यहाँ A² A⁻¹ है, यहाँ A³ A⁻¹ है, तो ये AP में नहीं होगा। D1 चूंकि D1 D2 D3 समान नहीं है, इसलिए AP में नहीं है।
ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। अब इसमें जो जो ट्वेल्थ पार्ट है इसका, उसमें एक दी है रूट टू, रूट एट, रूट एटीन और रूट थर्टी टू जो है, तो देखना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए डी वन निकालते हैं, इक्वल टू क्या होगा, ए टू माइनस का ए वन होगा, ए टू माइनस का ए वन, जो कि आपका क्या होगा, ए टू कितना है, रूट में एट है, माइनस के रूट में टू है। ठीक है, तो एट को क्या लिख सकते हैं, टू रूट टू लिख सकते हैं, क्योंकि चार दूनी आठ होता है, चार का क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, और इसको रूट टू कह देंगे, माइनस के रूट टू। तो यहाँ पे रूट टू हम कॉमन ले लेते हैं, रूट टू जब कॉमन आ जाए, सॉरी टू रूट टू में से एक रूट टू है, रूट टू बच गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब डी टू जो होगा वो क्या होगा आपका, ए थ्री माइनस का ए टू होगा। अब ए थ्री कितना है, रूट में एटीन है आपका, और माइनस का आपका जो है ए टू जो है रूट में एट हो गया आपका। ठीक है, अब ये जो 18 है उसको मतलब 18 जो है उसको 9 दूनी 18 कहते हैं, और 9 का जो रूट होगा वो 3 आ जाएगा, और 9 दूनी 18 और 2 ऐसे रह जाएगा रूट टू में। ठीक है, उसके बाद जो 8 का भी बताया, 2 रूट टू होता है, फिर उसके बाद यहाँ से हमने देखा 3 में से 2 का 1 रूट टू आ गया, तो डी टू भी यही आ गया। और जो डी थ्री होगा वो क्या आएगा आपका, डी थ्री मतलब कि ए फोर माइनस का ए थ्री जो होगा वो आपका आ जाएगा रूट में 32 माइनस के रूट में 18। ठीक है, अब जो है 32 जो होगा वो क्या होता है आपका 16 दूनी 32, तो 16 को क्या कहेंगे, 4 आ जाएगा बाहर और रूट टू हो जाएगा 2 का, और माइनस के जो 18 होते हैं, 18 का तो अभी पता है 3 रूट टू, तो यहाँ से भी क्या गया, 4 में से 3 गए, 1 रूट टू आ गया। मतलब चूंकि डी वन डी टू डी थ्री जो है आपके समान है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एपी में होगा, समान है, तो इसलिए हमें ये तो पता लगे, इसलिए ये एपी में है। ठीक है, इसलिए ये क्या हुआ, एपी में है। और जब ये एपी में है तो आपका जो डी सर्वांतर तो पता लग गया, डी बराबर क्या है, रूट टू हो गया आपका, ये तो आप क्या सर्वांतर आ गया। और अब हमें ए फाइव निकालना है, ए फाइव क्या होगा, ए फाइव निकालना, तो ए फाइव में क्या होगा, रूट थर्टी टू में रूट टू जोड़ देंगे। ठीक है, तो रूट थर्टी टू जो होता वो क्या था आपका, चार रूट टू, तो चार रूट टू में जब रूट टू जोड़ देंगे, मतलब रूट थर्टी टू जो है प्लस रूट टू, मतलब कि आपका चार रूट टू प्लस रूट टू जो होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, पांच रूट टू आ गया। फिर ये ए फाइव आया, और ए सिक्स क्या होगा आपका, ए सिक्स क्या होगा, पांच रूट टू में क्या जोड़ेंगे हम, रूट टू जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, छह रूट टू हो जाएगा। और अब ए सिक्स हो गया, अब ए सेवन क्या होगा, छह रूट टू जो आया आपका, इससे पहले वाले पद में छह रूट टू है, उसमें रूट टू जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सेवन रूट टू आंसर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है ट्वेल्थ तो हो गया, थर्टीन पार्ट है, इसमें रूट थ्री, रूट सिक्स, ये रूट नाइन और रूट ट्वेल्व इस तरीके से दिए हैं, और हमें जो है यही कैलकुलेट करना है क्योंकि पहले एपी में है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। तो डी वन क्या होगा आपका, ए टू माइनस का ए वन हो जाएगा। ए टू कितना है आपका, रूट सिक्स है माइनस के, ठीक है, माइनस के रूट थ्री हो जाएगा, इतना हो गया। रूट सिक्स क्या होगा, तीन दूनी छह होते हैं, तो रूट थ्री इंटू में रूट टू, तो इसको रूट थ्री इंटू में रूट टू कर सकते हैं, और माइनस के रूट थ्री हो जाएगा। और यहाँ पे हमने देखा रूट थ्री जो है कॉमन आ गया दोनों में, ठीक है, तो रूट टू माइनस के वन हो जाएगा, इतना हो गया। डी टू अगर हम निकालते हैं वो क्या होगा आपका, ए थ्री माइनस का ए टू, ए थ्री कितना है, रूट में नाइन है, माइनस का ए टू जो है रूट सिक्स है, तो नाइन का अंडर रूट क्या होगा, तीन आ जाएगा, माइनस के छः जो है, तो छः को तो वही रूट थ्री और रूट टू लिखेंगे, और यहाँ पर जो है तीन को क्या करेंगे, रूट थ्री इंटू में रूट थ्री, तो रूट थ्री यहाँ पे से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा रूट थ्री बचेगा, और माइनस का क्या बचेगा, रूट टू बचेगा। ठीक है, डी टू आ गया, और डी थ्री जो है आप देखते हैं, ए फोर माइनस का ए थ्री, तो ए फोर कितना है आपका, रूट में ट्वेल्व है, माइनस का रूट में नाइन है। अब ट्वेल्व को क्या कहेंगे, चार तीय बारह कहते हैं, तो चार का तो दो आ जाएगा अंडर रूट से बाहर, और चार तीय, ठीक है, तीन का क्या आएगा, रूट तीन आ जाएगा, माइनस के रूट नाइन को क्या बोलेंगे, तीन बोल देंगे, तो ये आ गया आपका। ठीक है, कॉमन लेना चाहते हो आप कॉमन ले सकते हो, क्योंकि रूट थ्री कॉमन आ जाएगा, तो टू माइनस के रूट थ्री हो जाएगा। आप ये देखते हैं कि चूंकि डी वन डी टू डी थ्री जो है यहाँ पे समान नहीं है, ठीक है, मेन चीज तो हमें यही देखनी, समान नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए ये एपी में नहीं है, एपी नहीं है, जो ये एपी है नहीं है। ठीक है, और अब एपी नहीं है तो आगे कुछ नहीं करना इसमें। अब इसका जो ये चौदह पार्ट है उसमें क्या है, फोर्टीन पार्ट में, फोर्टीन पार्ट में दिया है वन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर।
तो अब हमें यहाँ पे भी चेक करना है, पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं डी वन, चेक करते हैं ए टू माइनस का ए वन। तो ए टू क्या है, तीन का स्क्वायर माइनस का एक का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ, नौ में से एक गई यहाँ पे आठ आ गया डी वन। फिर डी टू चेक करते हैं ए थ्री माइनस का ए टू हो जाएगा, ए थ्री कितना है आपका फाइव का स्क्वायर माइनस का थ्री का स्क्वायर, तो पाँच का स्क्वायर पच्चीस माइनस के तीन किया नौ, पच्चीस में से यहाँ पे नौ गए, कितना आ गया आपका सोलह आ गया। ठीक है, डी थ्री हम कैलकुलेट करते हैं ए फोर माइनस के ए थ्री हो जाएगा, ए फोर कितना है आपका सात का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा पाँच का स्क्वायर, तो सात का स्क्वायर कितना हो गया उनचास माइनस के पाँच का स्क्वायर पच्चीस, तो यहाँ से आ गया आपका चौबीस। ठीक है, तो चूंकि डी वन डी डी टू डी थ्री जो है आपके समान नहीं है, इक्वल नहीं है, ये समान नहीं है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं ये एपी नहीं है, एपी नहीं है, जो ये सीरीज है ये आपकी एपी नहीं है। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। फिर उसके बाद जो है इसका लास्ट पार्ट है, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है ये, लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है, पहले चेक करते हैं कि यह एपी है, तो डी वन इक्वल टू ए टू माइनस का ए वन हो जाएगा, फाइव का स्क्वायर माइनस का वन का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर पच्चीस माइनस का एक चौबीस आ गया। फिर डी टू कैलकुलेट करते हैं ए थ्री माइनस का ए टू हो जाएगा, ए थ्री आपका कितना है सात का स्क्वायर माइनस के पांच का स्क्वायर, सात का स्क्वायर हो जाएगा आपका उनचास माइनस के पांच का स्क्वायर पच्चीस, चौबीस आ जाएगा यहाँ से। और डी थ्री भी देख लेते हैं, तो ए टू ए फोर माइनस का ए थ्री, ए फोर कितना है सेवेंटी थ्री माइनस का, और आपका सेवेंटी थ्री माइनस का सात का स्क्वायर जो होगा उनचास हो जाएगा, तो ये आपका जो है आ जाएगा चौबीस आ जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद चूंकि डी वन डी टू डी थ्री जो है वो आपके क्या है समान है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए एपी है, और जब एपी है तो आगे के पद निकालने पड़ेंगे, तो वो क्या होंगे ए फाइव होगा, वो क्या होगा सेवेंटी थ्री है, चौथा पद जो है उसमें क्या जोड़ देंगे डी जोड़ देंगे सार्वंतर, डी क्या है यहाँ पे चौबीस हो जाएगा सार्वंतर, ये लिख देना आप, और प्लस चौबीस जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा सत्तानवे हो गया। ठीक है, चार और तीन सात, सात और दो नौ, सत्तानवे। और ए सिक्स क्या होगा, अब ये जो 97 है इसमें हम 24 जोड़ देंगे तो 121 आ जाएगा आपका। ठीक है, कितना आ जाएगा 121। और अब ए सेवन जो होगा उसमें 121 में 24 जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो आपका कितना हो जाएगा आपका ये 145 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, चार पाँच दो दो चार और एक, 145। तो इस तरीके से आपका ए फाइव ए सिक्स और ए सेवन जो है आपके कैलकुलेट हो गए हैं, और यही हमें तीन पद अगले जो तीन पद हमें कैलकुलेट करने थे। ठीक है, तो उसमें कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह से आपकी जो 5.1 है वो एक्सरसाइज पूरी रूप से कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।